चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए। जी हां, लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनकी किडनी 4th स्टेज यानी लास्ट स्टेज में है। जी हां, उन्हें कभी भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लालू यादव को अभी तक किसी बड़े किडनी विशेषज्ञ यानी नेफ्रोलॉजिस्ट से नहीं दिखाया गया है, ना ही कभी किसी बड़े डॉक्टर से जांच कराने की अनुशंसा की गई है। ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। दरअसल डॉक्टर उमेश प्रसाद की यूनिट में ही लालू यादव का इलाज चल रहा है। लालू यादव किडनी के साथ साथ कई और गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं। पिछले 3 महीने की डिटेल रिपोर्ट जिसे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को भेजी थी, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि लालू आखिर कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित है। बता दें कि चारा घोटाला के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 23 दिसंबर 2017 को जेल भेजा गया था। सजायाफ्ता लालू यादव को जेल में 3 साल पूरे हो गए। वह पिछले 28 साल से रिम्स में इलाज करा रहे हैं। जी हाँ, जेल से 6 सितंबर 2018 को इलाज के लिए रिम्स में उन्हें शिफ्ट किया गया था और तब से लेकर वह लगातार रिम्स में इलाज करा रहे हैं। लालू को सबसे पहले रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक लालू प्रसाद यादव डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, किडनी में स्टोन, तनाव, थैलीसीमिया, प्रोस्टेट का बढ़ना, यूरिक एसिड का बढ़ना, ब्रेन से संबंधित बीमारी, कमज़ोर इम्यूनिटी, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी की समस्या, आँख में दिक्कत जैसी समस्याओं से ग्रसित है। बताया जा रहा है कि इन सभी बीमारियों में लालू सबसे ज़्यादा किडनी की बीमारी से परेशान है। लालू की देखरेख कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद के अनुसार उनकी किडनी लेवल 4 में यानी उनकी किडनी लास्ट स्टेज में है। उनकी किडनी सिर्फ 25% ही काम कर रही है। लालू की हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार उनको कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, उन्हें कभी भी डायलिसिस पर ले जाया जा सकता है। ऐसे में किडनी के विशेषज्ञ को तत्काल दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन लालू का इलाज डॉक्टर उमेश ही करते रहे। जी हाँ, लालू की सभी 16 बीमारियों को अकेले डॉक्टर उमेश प्रसाद ही देख रहे हैं। लालू के पुत्र तेजस्वी भी अपने पिता की तबीयत पर चिंतित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने दिल्ली के बड़े डॉक्टर से लालू यादव का इलाज कराने का आग्रह किया है। वहीं रांची के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर शंभू भी लालू यादव के हेल्थ रिपोर्ट देखकर कहते हैं कि मरीज की किडनी लास्ट स्टेज में है और मरीज को कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार मरीज को नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट की तत्काल ज़रूरत है। डॉक्टर शंभू ने कहा कि जो रिपोर्ट उन्होंने देखा है उसमें मरीज़ का इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ कंट्रोल में है, साथ ही ब्लड प्रेशर, हार्ट और शुगर फ़िलहाल कंट्रोल में है, लेकिन किडनी की रिपोर्ट ख़राब है। जी हाँ, मरीज़ किडनी फेलवर की तरफ जा रहे हैं, कभी भी इमरजेंसी की स्थिति आ सकती है। जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम भोजपुर ऐसे सुरभि की रिपोर्ट।